नमस्कार दोस्तों, अबाउट कोल्ड स्टोरेज इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सेब्रो सीएमओ सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूनिट के कुछ जनरल टेक्निकल डेटा के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, सीएमओ कंप्रेसर यूनिट एक छोटी यूनिट होती है जो विशेष रूप से छोटे पैमाने पर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कंप्रेसर किफायती होते हैं, टिकाऊ होते हैं और इसके साथ साथ इसका जो मेंटेनेंस खर्च है ये भी बहुत ही लो होता है और इन्हें फुल लोड पर सबसे ज्यादा स्टैंड अलोन यूनिट्स के रूप में उपयोग किया जाता है या इन्हें छोटे बैकअप कंप्रेसर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, सेब्रो सीएमओ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर 6 अलग अलग मॉडल्स में उपलब्ध है जो कि ये 97 से लेकर 273 क्यूबिक मीटर पर आवर स्वेप्ट वॉल्यूम प्रदान करते हैं। इन कंप्रेसर्स का स्पेशल डिजाइन नॉइज और वाइब्रेशन को बहुत ही कम कर देते हैं जो ज्यादा से ज्यादा साउंड प्रेशर लेवल 73 डेसिबल तक होता है। ये कंप्रेसर्स कम बिजली खपत करते हैं जो इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही कम कर देता है। इन कंप्रेसर को आप मन मुताबिक आरपीएम पर ड्राइव कर सकते हैं क्योंकि इनके साथ वेरिएबल स्पीड ड्राइव का ऑप्शन मिलता है जो प्रोवाइड करता है स्टेपलेस कैपेसिटी कंट्रोल। अब जान लेते हैं दोस्तों इन कंप्रेसर्स के कुछ जनरल टेक्निकल डेटा के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं सीएमओ 24 कंप्रेसर के कुछ टेक्निकल डेटा के बारे में। तो सीएमओ 24 कंप्रेसर 4 सिलेंडर्स के होते हैं और इसके स्वेप्ट वॉल्यूम के बारे में बात करें तो 1500 आरपीएम पर 97 क्यूबिक मीटर पर आवर और 1800 आरपीएम पर 116 क्यूबिक मीटर पर आवर स्वेप्ट वॉल्यूम प्रदान करते हैं। दोस्तों, इसके नॉमिनल कैपेसिटीज के बारे में बात करें तो 1500 आरपीएम पर सिंगल और हाई स्टेज के लिए अगर रेफ्रिजरेंट R717 यानी अमोनिया हो तो इवोपरेटिंग टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस और कंडेंसिंग टेम्परेचर +35 डिग्री सेल्सियस पर 53 किलोवाट इसका नॉमिनल कैपेसिटी है और इवोपरेटिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और कंडेंसिंग टेम्परेचर +35 डिग्री सेल्सियस पर इसका नॉमिनल कैपेसिटी है 50 किलोवाट। अब दोस्तों, इसके डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो डायमेंशंस विद डायरेक्ट कपल्ड यूनिट, दोस्तों डायरेक्ट कपल्ड यूनिट वो होता है जो कंप्रेसर का मोटर कंप्रेसर के क्रैंक शाफ्ट से डायरेक्ट जुड़ा होता है, यानी कि ये बेल्ट ड्राइव नहीं होता है, ये डायरेक्ट कंप्रेसर के क्रैंक शाफ्ट से इसका मोटर जुड़ा होता है। तो इसका लेंथ है 1400 mm से लेकर 2150 mm तक, इसका विड्थ है 800 mm और हाइट है 900 mm। इसके वेट के बारे में बात करें दोस्तों तो 480 kg बिना मोटर के इसका वजन है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके साउंड प्रेशर लेवल के बारे में। तो 1500 आरपीएम पर इसका साउंड प्रेशर लेवल 69 डेसिबल है। दोस्तों, साउंड प्रेशर लेवल वो है जो कंप्रेसर द्वारा उत्पन्न किया गया ध्वनि का दबाव। दोस्तों, अब जान लेते हैं सीएमओ 26 कंप्रेसर्स के बारे में। तो ये 6 सिलेंडर्स के होते हैं और इसका स्वेप्ट वॉल्यूम कुछ इस प्रकार है, 1500 आरपीएम पर 146 क्यूबिक मीटर पर आवर और 1800 आरपीएम पर 175 क्यूबिक मीटर पर आवर स्वेप्ट वॉल्यूम प्रदान करते हैं। दोस्तों, अगर इसके नॉमिनल कैपेसिटीज के बारे में बात करें तो 1500 आरपीएम पर सिंगल और हाई स्टेज के लिए अगर रेफ्रिजरेंट R717 है तो यानी अमोनिया है तो इवोपरेटिंग टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस और कंडेंसिंग टेम्परेचर +35 डिग्री सेल्सियस पर 79 किलोवाट इसका नॉमिनल कैपेसिटी है और इवोपरेटिंग टेम्परेचर 0 डिग्री कंडेंसिंग टेम्परेचर +35 डिग्री सेल्सियस पर इसका नॉमिनल कैपेसिटी है 127 किलोवाट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डायमेंशन के बारे में। तो इसका लेंथ है 1450 mm से लेकर 2175 mm तक, इसका विड्थ जो है ये 800 mm है, हाइट जो है ये 900 mm है। वेट के बारे में बात करें तो दोस्तों बिना मोटर के 520 kg इसका वजन है। साउंड प्रेशर लेवल है 71 डेसिबल। अब दोस्तों जान लेते हैं सीएमओ 28 कंप्रेसर के कुछ टेक्निकल डेटा के बारे में। तो ये 8 सिलेंडर्स के होते हैं और इसका स्वेप्ट वॉल्यूम कुछ इस प्रकार है, 1500 आरपीएम पर 194 क्यूबिक मीटर पर आवर और 1800 आरपीएम पर 223 क्यूबिक मीटर पर आवर स्वेप्ट वॉल्यूम प्रदान करते हैं। नॉमिनल कैपेसिटीज के बारे में बात करें तो 1500 आरपीएम पर सिंगल और हाई स्टेज के लिए अगर रेफ्रिजरेंट R717 है तो इवोपरेटिंग टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस और कंडेंसिंग टेम्परेचर +35 डिग्री सेल्सियस पर 150 किलोवाट और इवोपरेटिंग टेम्परेचर 0 डिग्री और कंडेंसिंग टेम्परेचर +35 डिग्री सेल्सियस पर 170 किलोवाट इसका नॉमिनल कैपेसिटी है।
है। अब दोस्तों इसके डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसका लेंथ है 1475 से लेकर 2200 mm तक और विड्थ जो है ये 800 mm है, हाइट जो है ये 900 mm है। वेट के बारे में बात करें तो 550 kg बिना मोटर के इसका वजन है। साउंड प्रेशर लेवल है 72 डेसिबल। अब दोस्तों बात करते हैं CMO 34 कंप्रेसर्स के बारे में, तो दोस्तों ये 4 सिलेंडर्स के होते हैं और इसका स्विफ्ट वॉल्यूम कुछ इस प्रकार है, 1500 आरपीएम पर 113 क्यूबिक मीटर पर आवर और 1800 आरपीएम पर 136 क्यूबिक मीटर पर आवर स्विफ्ट वॉल्यूम प्रदान करते हैं। नॉमिनल कैपेसिटी के बारे में बात करें तो अगर रिफ्रिजरेंट R717 है तो 1500 आरपीएम पर सिंगल और हाई स्टेज के लिए इवेपोरेटिंग टेम्परेचर -10 डिग्री और कंडेंसिंग टेम्परेचर +35 डिग्री सेल्सियस पर 62 किलोवाट और इवेपोरेटिंग टेम्परेचर 0 डिग्री और कंडेंसिंग टेम्परेचर +35 डिग्री सेल्सियस पर 100 किलोवाट इसका नॉमिनल कैपेसिटी है। अब जान लेते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में, तो 1400 से लेकर 2150 mm तक इसका लेंथ होता है और विड्थ जो है ये 800 है, हाइट जो है ये 900 mm है। वेट के बारे में बात करें तो 480 kg इसका वजन है बिना मोटर के। साउंड प्रेशर लेवल 70 डेसिबल है। अब दोस्तों जान लेते हैं CMO 36 कंप्रेसर के बारे में, तो दोस्तों ये 6 सिलेंडर्स के होते हैं और इसका स्विफ्ट वॉल्यूम कुछ इस प्रकार है, 1500 आरपीएम पर 170 क्यूबिक मीटर पर आवर और 1800 आरपीएम पर 204 क्यूबिक मीटर पर आवर स्विफ्ट वॉल्यूम प्रदान करते हैं। नॉमिनल कैपेसिटी के बारे में बात करें तो अगर रेफ्रिजरेंट R717 है तो 1500 आरपीएम पर सिंगल और हाई स्टेज के लिए इवेपोरेटिंग टेम्परेचर -10 डिग्री और कंडेंसिंग टेम्परेचर +35 डिग्री सेल्सियस पर 93 किलोवाट, इवेपोरेटिंग टेम्परेचर 0 डिग्री और कंडेंसिंग टेम्परेचर +35 डिग्री सेल्सियस पर 149 किलोवाट इसका नॉमिनल कैपेसिटी है। अब जानते हैं दोस्तों इसके डायमेंशंस के बारे में, तो इसका लेंथ है 1450 से लेकर 2175 mm, विड्थ जो है ये 800 mm है और हाइट जो है ये 900 mm है। जान लेते हैं इसके वेट के बारे में, तो 520 kg इसका वजन है बिना मोटर के और इसका साउंड प्रेशर लेवल है 72 डेसिबल। अब दोस्तों जान लेते हैं CMO 38 कंप्रेसर्स के बारे में, तो ये 8 सिलेंडर्स के होते हैं और इसका स्विफ्ट वॉल्यूम कुछ इस प्रकार है, 1500 आरपीएम पर 228 क्यूबिक मीटर पर आवर और 1800 आरपीएम पर 273 क्यूबिक मीटर पर आवर। नॉमिनल कैपेसिटी के बारे में बात करें तो 1500 आरपीएम पर सिंगल और हाई स्टेज के लिए अगर रेफ्रिजरेंट R717 है, इवेपोरेटिंग टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस और कंडेंसिंग टेम्परेचर +35 डिग्री सेल्सियस पर 123 किलोवाट और इवेपोरेटिंग टेम्परेचर 0 डिग्री कंडेंसिंग टेम्परेचर +35 डिग्री सेल्सियस पर 199 किलोवाट इसका नॉमिनल कैपेसिटी है। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में, तो 1475 से लेकर 2200 mm तक इसका लेंथ है और विड्थ जो है ये 800 mm है, हाइट जो है ये 900 mm है। बात करते हैं इसके वेट के बारे में, तो बिना मोटर के 550 kg इसका वजन है। साउंड प्रेशर लेवल है 73 डेसिबल। तो दोस्तों ये था सेब्रो CMO कंप्रेसर्स के कुछ टेक्निकल डेटा के बारे में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।